ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। ना ईवीएम का मुद्दा मरा है, ना जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। अध्यक्ष महोदय होई वही जो राम ऋषि राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो है खुद किसी के सहारे के लाचार। अध्यक्ष महोदय मैं फिर कह देना चाहता हूँ, होई वही जो राम ऋषि राखा, यह है उसका फैसला जिसकी लाठी में नहीं होती आवाज। जो करते थे किसी को लाने का दावा, वो हैं खुद किसी के सहारे के लाचार। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम, हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। जो सच्चे मन से करते हैं सबका कल्याण, सदियों में जन 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 गाता है जिनके गान। अभय दान देती जिनकी मंद मंद मुस्कान, मानवता के लिए उठता जिनका तीर्थ मान। अध्यक्ष महोदय जो असत्य पर सत्य की जीत का है नाम, उफनती नदी पर जो बांधे मर्यादा के बांध, वो है अवध के राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम। हम अयोध्या से लाए हैं उनके प्रेम का पैगाम। अध्यक्ष महोदय और मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरूर, दरबार तो लगा है पड़ा गमगीन बिनूर है। अध्यक्ष महोदय दरबार तो लगा है पर बड़ा गमगीन बेनूर है। और पहली बार ऐसा लग रहा है हारी हुई सरकार विराजमान है। जनता कह रही है चलने वाली नहीं सरकार। अध्यक्ष महोदय जनता कह रही है चलने वाली नहीं, ये गिरने वाली सरकार है। और क्योंकि ऊपर से जुड़ा कोई तार नहीं, नीचे कोई आधार नहीं, अधर में जो है अटकी हुई वो तो कोई सरकार नहीं।